खबर रुड़की से है। रुड़की में अपनी सौतेली मां पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें, पीड़ित का कहना है कि उसके पिता की दूसरी पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी संपत्ति कब्जाना चाहती है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही है। पीड़ित ने इस संबंध में रुड़की पुलिस को भी तहरीर देकर अवगत कराया है। जी, मेरा नाम सादिक है और मैं रुड़की का रहने वाला हूँ। एक महिला उज्मा नाम की, जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो अपनी मेरी मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूँ, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊँ और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है। पूर्ण रूप से उसका बैनामा, दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उसमें रहता आ रहा हूँ। और वो 19 तारीख को अपने कुछ साथियों के साथ मेरे घर पर आई और चढ़ाई की घर पर आकर के, और उसने ताले तोड़ने की भी कोशिश की, जिसने कि एक झूठी वीडियो बनाकर वायरल कर दी मेरे पिताजी की, कि इसमें इन्होंने अपने पिताजी को, जबकि हम 45 लाख रुपए दे चुके हैं उसको और 20,000 रुपये महीना भी मैं दे रहा हूँ अपने पिताजी का खर्च के लिए, जब भी वो और पैसों का लालच करते हुए मेरे घर पर आई और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया और मुझे ये भी बोला गया कि तेरे अगर ये यहाँ नहीं है तो इसके बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी और इसको देखूंगी ये कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी, मेरा नाम